घिसता उस टाइम ज़्यादा घिसता है, और जिस टाइम दूसरा तरफ रहता है उस टाइम वहाँ पर कम घिसता है। पिस्टन यहाँ से फोर्स लगाता तो वो भी इधर से ऐसे फोर्स लग दो ऑटोमेटिकली से फोर्स लगने लग जाता है। इसको क्लीन रखो, ठीक है, तब जाके आपके इक्वल दोनों डिस्पैट सेम घिसेंगे। फिट करते टाइम इसमें क्या क्या ध्यान रखना है और क्या क्या करना है आपने, ठीक है, क्या साफ़ सफाई रखनी है। तो चलिए फिर इसको सीधा इसमें इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं, तो बढ़िया होंगे। तो सो गाइज, एक बार फिर वीडियो लेके आ चुका हूँ मैं डिस्पैट पे, कि एंटॉर्क के डिस्पैट चेंज करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छे से एकदम बढ़िया से डिस्पैट चेंज करना है किस तरह से, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, वो सारे वीडियो में आपको दिखाऊंगा किस तरह से चेंज किया जाता है डिस्पैट। डिस्पैट दिखाता हूँ, फिर सीधा डायरेक्ट अब इस पर फिर इसको इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो गाइस, ये मेरे डिस्पैट, ठीक है, फ्रंट वाले। तो ये जो जिसके ये कलर जो ब्राउन होता है ना, वो वाला मत लेना, जिसके ब्लैक होते तो वो लेदर थोड़ा स्ट्रांग होते हैं और वो थोड़ा अच्छी क्वालिटी के होते हैं। मैंने पहले भी इसके के डाले थे, वो ब्राउन वाले थे, जैसे लेदर इसका ब्राउन था, बट ये ब्लैक में है, ठीक है, ध्यान से देख लो, ये ब्राउन में नहीं है। तो ये अच्छी क्वालिटी वाले इसके के हैं। तो आज हम इसको फिट करेंगे, ठीक है, और फिट करने का तरीका मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से फिट करना है, और उसमें फिट करते टाइम क्या क्या करना है, ठीक है, पूरी इसमें दिखाएंगे, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा कि फिट करते टाइम इसमें क्या क्या ध्यान रखना है और क्या क्या करना है आपने, ठीक है, क्या साफ़ सफाई रखनी है। तो चलिए फिर इसको सीधा इसमें इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो गाइस, ये जो 12 मिलीमीटर के दो बोल्ट हैं, हमने इसको ओपन करना है, और ओपन करने के लिए हमने सॉकेट ले लेना है 12 मिलीमीटर का, और हमने इसको पूरा ओपन कर लेना है। और गाइस, पहले तो सबसे पहले आपने पेट्रोल ले लेना है, इसमें कोई सा भी ऐसी चीज़ में पेट्रोल भर लेना है, ठीक है। एक कोलगेट वाला ब्रश ले लेना है। सबसे पहले इसके पैड्स वगैरह निकाल लेते हैं, ठीक है, डिस्पैड वगैरह निकाल लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कहाँ इसको पेट्रोल से साफ करना है और कहाँ से नहीं करना है, ठीक है। सो गाइस, डिस्क की कंडीशन दिखा दूं मैं आपको, एकदम मतलब खत्म हो चुके हैं, बहुत कम है, देखो आप दिख रहा होगा आपको, ठीक है, लेकिन फिर भी चल जाता है। लेकिन मैं सोचा अगर लेट कर दे तो ये हमारे जो डिस्प्ले है ख़राब हो जाएगी। तो चलिए अब इसको चेंज करते हैं। पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये पिस्टन वगैरह है, ठीक है, इस पिस्टन को हमने इसको पुश करके अंदर दबा लेना है। सो गाइस, ये अंदर तो गए, बाकी थोड़ा बहुत अंदर हम बाद में कर देंगे, इसको भी मूवमेंट करके देख लेने देना है, कि देखना है कि ये चीज़ अच्छे से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये सही है, अच्छे से काम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें रबड़ चढ़ी हुई है, ठीक है, सील चढ़ी हुई है, ताकि इसमें डस्ट या मट्टी कुछ पानी अंदर ना जा सके, ठीक है। चलिए इसको पेट्रोल से साफ करते हैं। और हमेशा याद रखना है कि पेट्रोल मारते टाइम इसको ऐसे नहीं रखना है, नहीं तो पेट्रोल इसके यहाँ पे साइडों में जमा हो जाएगा, तो आपकी जो इसके अंदर रिंग होती है, वह ऑयल जो रोक के रखती है, ठीक है, रिंग, वो पेट्रोल से ख़राब होने का डर रहता है। सो गाइस, ये क्लीन हो चुका है, ठीक है, ये पूरा कंप्लीट क्लीन हो चुका है, देखो क्लीन हो गया है, ठीक है। तो इसको कपड़े से अच्छे से पोंछ के इसको क्लीन करके इसको डिस्पैट इसको इस पर फिट कर देंगे। तो गाइस, सबसे पहले हमने बड़ा वाला ले लेना है, ठीक है, इस पर लगा लेना है इसके होल पे, इसके बाद छोटा वाला ले लेना है, ठीक है। जो इसकी पिन है, ये पिन लगा देनी है इसमें। सो गाइस, ये बैठ चुके हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से बैठ चुके हैं ये यहाँ पे। तो चलो मैं इसमें इसको उसको लगा देता हूँ।
सो गाइस ये सब चीज़ टाइट हो गया, कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और इसमें डिस्क ब्रेक में हम थोड़ा थोड़ा रेग मार मार देंगे ताकि डिस्क प्लेट ख़राब ना हो। हमारे डिस्क प्लेट बहुत अच्छी है, कंडीशन बहुत अच्छी है, एकदम स्मूथ है, कहीं से भी कोई भी इसमें मतलब कट से लाइन सा नहीं है। ये देखो एकदम स्ट्रेट है, तो इसलिए मेरे डिस्क प्लेट बहुत अच्छे हैं। सो गाइस मैं आपको एक बहुत अच्छा चीज़ बताता हूँ, ठीक है, आप उसको ध्यान रखना। डिस्क प्लेट एक साइड से ज़्यादा घिसते हैं, एक साइड से कम घिसते हैं, मतलब जिस साइड पिस्टन रहता है उस टाइम ज़्यादा घिसते हैं और जिस तरफ दूसरा तरफ रहता है उस टाइम वहाँ पर कम घिसता है। और एक कुल नहीं घिसता डिस्क प्लेट, तो आप समझ लो जो आपका ये जो कैलिबर का जो ये पीछे वाला हिस्सा है, ठीक है, पिस्टन का जो अपोजिट साइड वाला है जहाँ पर ये रॉड एलेंकी का बोल्ट रहता है, ठीक है, तो इसको आप क्लीन करो, ठीक है, दोनों तरफ से क्लीन करो, क्योंकि वो भी मूवमेंट करता है ऐसे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से वो भी दूसरे को प्रेस करता है। जब पिस्टन यहाँ से फोर्स लगाता तो वो भी इधर से ऐसे फोर्स लग दो ऑटोमेटिकली से फोर्स लगने लग जाता है, तो इसलिए उसको ध्यान रखो और इसको क्लीन रखो, ठीक है, तब जाके आपके इक्वल दोनों डिस्पैट सेम घिसेंगे, कोई इसमें नहीं होगा। देखो मेरे, देखो मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से, आप इसको ढूंढ के भी नहीं बता सकते कि मेरे डिस्पैट अलग अलग चेंज होके मतलब अलग अलग घिसे नहीं घिसे, ठीक है, बराबर भाई साहब इंच टेप से भी नाप लो ना तो भी बराबर ही निकलेगा। एट कॉस्ट समय समय पर चेंज करो, आपकी डिस्प्लेट भी नहीं कटेगी और बहुत काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए, ज़्यादा आपको खर्चा नहीं होना पड़ेगा फिर, नहीं तो आपको ज़्यादा खर्चा हो जाएगा अगर डिस्प्लेट ये प्लेट कट गई तो। ये बहुत महंगी प्लेट आती है, 900-1000 के आसपास ऐसी कुछ अराउंड आती है, 950 के आसपास। चलो ठीक है, फिर कैसी लगी आपको ये वीडियो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। सो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो मेरे डिस्पैट की, ठीक है, अगर इसमें आपको कुछ कमी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बता देना कि मेरे से क्या छूट गया, क्या रह गया, क्या बताना बाकी था, ठीक है। लेकिन जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, डिस्पैट अगर दोनों बराबर घिसने तो आपको ये चीज़ जो इसका ये है, ठीक है, ये इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसको क्लीन करना पड़ेगा ताकि दोनों अच्छे से मूवमेंट हो सके, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट वीडियो इसके व्हील पे आने वाली है बहुत अच्छी, और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, सपोर्ट करो थोड़ा सा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।